हेलो माय डियर स्टूडेंट स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में। और स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ओजेनेसिस। तो फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ शेयर कर दें, दूसरे जो मित्र आपके हैं वो भी इस प्रोसेस को जान सकें। ओजेनेसिस की जो प्रोसेस है डियर स्टूडेंट, ये फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है। तो गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है यानी ओवम का फॉर्मेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस का रिजल्ट होता है कि फीमेल गैमेट ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है। और किसके अंदर, तो फॉलिकल के अंदर। और फॉलिकल कहाँ बनता है, ओवरी के अंदर। तो ओजेनेसिस का रिजल्ट है जो कि फॉलिकल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है ओवरी के अंदर, इसी प्रोसेस को ओजेनेसिस कहते हैं। जैसे अगर फिगरली देखें तो फिगर में यह देखिए, ये जो ओवा का फॉर्मेशन है ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की इवेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस, जिसमें ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। अब ओजेनेसिस बहुत अर्ली ही स्टार्ट हो जाता है जब फीमेल चाइल्ड मदर के फीटस में रहती है, मतलब मदर के यूट्रस में रहती है, अभी डेवलपमेंट हो रहा था एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसी समय ही फीमेल चाइल्ड के अंदर ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। फीमेल के चाइल्ड की जो जर्मिनल एपिथेलियम है ओवरी की, वो माइटोटिकली डिवाइड होकर के मिलियन ऑफ गैमिट मदर सेल या ओगोनिया का अंदर ओगोनिया का फॉर्मेशन कर देती है। जब फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट मदर बॉडी के अंदर हो रहा होता है उसी समय फीमेल चाइल्ड के ओवरी में ये इवेंट हो जाता है। और ध्यान रहे, ओगोनिया का फॉर्मेशन ये सिर्फ मदर के बॉडी में जब फीमेल चाइल्ड डेवलप हो रही होती है तभी होता है, अगर बर्थ हो जाए उसके बाद कोई ओगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। यही ओगोनिया बाद में डेवलप करके ओवम का फॉर्मेशन करती। ये तो जो इवेंट हम दिखा रहे हैं ये तो सब इवेंट आफ्टर द बर्थ है, ये बर्थ के बाद ये इवेंट है, लेकिन इसके पहले का जो इवेंट है वो ओगोनिया फॉर्मेशन तक, वो बिफोर द बर्थ है, जब फीमेल चाइल्ड का मदर के बॉडी में डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी समय फीमेल चाइल्ड के ओवरी में ये चेंजेज होते हैं। अब ये जो ओगोनिया बन गया फीमेल चाइल्ड के ओवरी में जब उसका डेवलपमेंट मदर के बॉडी के अंदर हो रहा होता है, तो ये ओगोनिया मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन में इंटर करती है। और जैसे मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होता है, अब प्रोफेज के बाद मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आना चाहिए, लेकिन इसी समय या इसका अगला जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, यानी इसका जो डेवलपमेंट है वो सस्पेंड हो जाता है। और ये इस स्टेज में यह प्राइमरी ओसाइट्स कंसिडर की जाती है। अब ये रुकी रहती है, प्राइमरी ओसाइट्स फीमेल चाइल्ड के अंदर ओवरी के अंदर इस स्टेज में रुका रहता है। और कब तक रुका रहता है, जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ हो जाता है, वो चाइल्ड से एडल्ट में कन्वर्ट होती है, और जैसे ही उसके अंदर प्यूबर्टी स्टेज आता है, जुवेनाइल स्टेज में प्यूबर्टी स्टेज आता है, फर्दर प्राइमरी ओसाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है और इसका जो मियोटिक फर्स्ट यानी मियोटिक डिवीजन जो प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में रुका था वो फिर स्टार्ट होता है। यानी कि अब जो है ओजेनेसिस का अगला स्टेप स्टार्ट होता है। तो ओजेनेसिस को अच्छे से समझने के लिए इसकी पूरी जो इवेंट है ओजेनेसिस को, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। एक है मल्टीप्लिकेशन फेज, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद आएगा आपका जो है ग्रोथ फेज, और फिर ग्रोथ फेज के बाद आएगा लास्ट में जो इसका लास्ट है मैच्यूरेशन फेज। तो ओजेनेसिस की प्रोसेस को तीन भागों में हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन से भाग, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन के बाद
ग्रोथ फेज के बाद जो है मैच्यूरेशन फेज में डिवाइड करते हैं। तो पहले हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में जो जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग है ओबरी की, ये माइटोटिक सेल डिवीजन में जाती हैं, और इसका रिजल्ट ये है कि लार्ज नंबर ऑफ ओगोनिया एंड फॉलिकल सेल का फॉर्मेशन कर देती है। इस डायग्राम के हेल्प से हम समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जो जर्मिनल एपिथेलियम है ओबरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये यहाँ पर पाए जाएंगे जर्मिनल एपिथेलियम, और यही जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड करके लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी प्राइमेडियल फॉलिकल सेल का फॉर्मेशन करती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ये क्या करती हैं, ओगोनिया का डिप्लॉयड ओगोनिया का फॉर्मेशन करती ही हैं। अब देखिए ये ओगोनिया फर्दर डिवीजन में जाती हैं और बहुत सारे ओगोनिया का फॉर्मेशन कर देती हैं। जैसे एक ओगोनिया है, ये डिवाइड करके दो ओगोनिया बनाए, अब ये दोनों ओगोनिया डिवाइड करके चार ओगोनिया का फॉर्मेशन की। इसी तरह ये मल्टीपल टाइम डिवीजन करके मल्टीपल ओगोनिया का क्या कर देती हैं, फॉर्मेशन कर देती हैं, और फॉलिकल सेल का फॉर्मेशन कर देती। तो ये जो इवेंट है जो आपने देखा ओगोनिया का फॉर्मेशन, ये कब तक होता है? तो ये बिफोर द बर्थ तक होता है। अब वन ऑफ द डिप्लॉयड ओगोनिया, कोई एक जो डिप्लॉयड ओगोनिया है, इसकी साइटोप्लाज्म बढ़ती है क्योंकि इसमें ओल्क का डिपोजिशन होता है जो एक टाइप का न्यूट्रिटिव मटेरियल है, और अब इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ओ साइट्स कहते हैं। अब इसी ओगोनिया को, किसी एक ओगोनिया, बहुत सारे ओगोनिया तो यहाँ बने मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, यानी कि जब सेल डिवीजन हुआ तो, अब इस चारों में से कोई एक ओगोनिया जो है ये क्या करती है कि इसकी साइज बढ़ जाती है क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर जाते हैं, ओल्क न्यूट्रिटिव मटेरियल इसमें डिपोजिट होने लगता है, और अब इसे हम प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। क्या इसे बोलते हैं? इसकी ग्रोथ होने के बाद इसी को हम ग्रोथ फेज कहते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड फेज में यानी ग्रोथ फेज में। अगला फेज आता है इसका, जिसको हम कहते हैं अगला फेज मैच्यूरेशन फेज। और मैच्यूरेशन फेज में अब यही जो प्राइमरी ओसाइट्स है, इसमें मियोटिक फर्स्ट डिवीजन जो होता है कंप्लीट होता है, जिसके वजह से इसमें दो सेल्स बनती हैं, लेकिन दोनों सेल्स अनइक्वल साइज में बनती हैं। जब इस ग्रोथ हो गया तो प्राइमरी ओसाइट्स में रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन फर्स्ट होता है, यानी पहला मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं दो सेल में डिवाइड होती हैं, और एक जो होती है लार्ज सेल डिवाइड होती हैं और एक स्मॉल सेल डिवाइड होती हैं। इस फिगर में देखें तो एक बार हो रहा है माइटोसिस सेल डिवीजन। तो माइटोसिस सेल डिवीजन में जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है, उतना ही डॉटर सेल में आ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मियोसिस सेल डिवीजन जब हो रहा है प्राइमरी ओसाइट्स में, तो जितना क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है उसको हाफ किस में आ रहा है, डॉटर सेल में। अब एक डॉटर सेल लार्ज इन साइज बनती है और एक डॉटर सेल स्मॉल इन साइज बनती है। अब जो लार्ज इन साइज डॉटर सेल बनी उसको हम सेकेंडरी ओसाइट्स कहते हैं, और जो स्मॉल साइज बना उसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। अब अगला स्टेप में क्या होता है कि जो लार्ज सेकेंडरी ओसाइट्स हैं वो, और एक स्मॉल जो स्ट्राइल यानी पोलर बॉडी बना जो फर्स्ट डिवीजन होता है, अब इस सेकेंडरी ओसाइट्स में फर्दर डिवीजन होता है, मियोटिक सेकेंड कंप्लीट होता है, जिसके फलस्वरूप लार्ज ओटिट का फॉर्मेशन हो जाता है और स्मॉल सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको यहाँ से समझे, अब इसमें फर्दर जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं इसमें फर्दर डिवीजन होता है, और इस डिवीजन के फलस्वरूप अब होता क्या है, एक लार्ज लार्ज जो है इस सेकेंडरी ओसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, लार्ज सेकेंडरी ओसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब इसी सेकेंडरी जो ओसाइट्स हैं उसमें ओवम का डेवलपमेंट होकर ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा, जबकि पोलर बॉडी है ये फर्दर डिवीजन करेगा, जिसके फलस्वरूप अब होगा क्या कि एक ओसाइट्स और तीन पोलर बॉडी बन जाएंगी, यानी
मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होते होते एक ओटिएट्स और चार पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा जो नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी है, तो कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे और जो सेकेंडरी और साइड से यही डेवलप करके ओवम का फॉर्मेशन कर देगा। इसको यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं, इस डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं डिटेल। इसको हमने दोनों को कंपेरिजन किया है, ओजेनेसिस और फॉलिकल डेवलपमेंट को कंपेरिजन किया। अब देखिए प्रिमोर्डियल फॉलिकल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ओगोनिया। इसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइम डिवीजन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज ऑफ ओजेनेसिस। और इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जिससे लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स बनते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स सेल कहते हैं। लेकिन ये प्राइमरी ओसाइट्स जो होते हैं कि इनमें प्रोफेज फर्स्ट में ही, यानी सेल डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट हो जाते हैं। ये सब जो इवेंट है, इतना जो इवेंट है, ये कब होता है, बिफोर द चाइल्ड बर्थ इनसाइड, मतलब इनसाइड द मदर बॉडी के अंदर जब चाइल्ड बर्थ हो रहा, डेवलपमेंट हो रहा होता है, बिफोर द चाइल्ड बर्थ, उस समय चाइल्ड की ओवरी में इवेंट हो जाता है। लेकिन जब चाइल्ड का बर्थ होता है और जब उसमें पुबर्टी स्टार्ट होता है, यानी मोनोपॉज तक, मतलब मेनार्ज से मोनोपॉज तक, यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होने से मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंट्रोल तक रुकने तक, ये इवेंट अब यहाँ से बर्थ के बाद इवेंट स्टार्ट होता है और ये चलता रहता है। अब ये जो प्राइमरी ओसाइट्स हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल सेल्स हैं, इनमें मियोसिस फर्स्ट होना स्टार्ट होता है। और जब ये मियोसिस फर्स्ट होना इसमें स्टार्ट होता है, उस समय मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होता है, इसमें एक फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल सेल्स कहते हैं। अगला स्टेप इसमें क्या होता है कि अब इस सेकेंडरी, जो सेकेंडरी ओसाइट्स हैं, इसी में वेल डेवलप होकर के मेच्योर होके ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर उसका हो जाता है ओवुलेशन। और ओवुलेशन होना जाता है तो उसके आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। लेकिन जैसे ही स्पर्म आकर के इस सेकेंडरी ओसाइट से अटैच्ड होता है, जैसे ही स्पर्म आकर के इस सेकेंडरी ओसाइट से अटैच्ड होता है, ओवुलेशन कंप्लीट होकर हो जाता है उस समय। और ये तुरंत जो है कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन ओवुलेशन, स्पर्म आकर अटैच हुआ, ओवुलेशन कंप्लीट हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, ये सेकेंडरी ओसाइट फर्दर कंप्लीट करती है मियोसिस सेकेंड, जो कि कंप्लीट करती है और जाइगोट का फॉर्मेशन और सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर देती है। अब इस ओवा के चारों तरफ जो कार्पस, एक जो फॉलिकल सेल का लेयर था, अब वो फॉलिकल सेल का लेयर किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट कर देता है। और तब तक स्टार्ट करता है जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और अगर फर्टिलाइजेशन मान लीजिए कि 14 से 16 दिन के अंतर्गत नहीं हुआ, तब ये कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, अनफर्टिलाइज अगर हुआ रह गया तो ये हमने जाना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओजेनेसिस कैसे होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं एज इट इज, तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से और वहाँ उसको इंस्टॉल करके उस पर जाएं और सर्च ऑप्शन में जा करके सर्च करें नारायण बायोलॉजी क्लासेस बाय एसएन शर्मा फॉर क्लास 12 और उसको ज्वाइन करके वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।